नमस्कार, सुप्रीम मीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका, यहाँ पर आज हमारे साथ प्रकाश जाधव नव निर्वाचित अधिकारी हैं, आरोग्य के मुख्य अधिकारी। आज जानेंगे यहाँ पे वैक्सीन से रिलेटेड कई सवाल उनके साथ। सर, हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मीरा भाईंदर क्षेत्र के अंतर्गत में प्रतिदिन कितने लोगों को वैक्सीन दिया जाता है? जो हमने टीम महानगर पालिका की जो टीम तैयार की है उसमें हमारी जो तैयारी है वो पर डे, अभी की तैयारी जो है वो पर डे 10 से 15 हज़ार पर डे तक अपन दे सकते हैं, उतनी तैयारी है। और अगर मान लो कि सप्लाई अगर वैक्सीनेशन का बढ़ता है और हमको आदेश दिया जाता है कि आप पर डे मोर देन 20,000 भी दो या 25,000, तो उसकी भी तैयारी हमने रखी हुई है। तो अभी तो एक खाली हम राह देख रहे हैं कि वैक्सीन और आए, ज़्यादा से ज़्यादा आए, और अपने मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जो अपने रहवासी है सबको अपन जल्दी से जल्दी वैक्सीन दिया जाए। संख्या के मामले में देखा जाए तो कितने लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका होगा मीरा भाईंदर में? लगभग अप्रोक्सीमेटली 3 लाख लोगों को अपन ने वैक्सीनेशन दे चुके हैं। अपनी अप्रोक्सीमेट लोक संख्या जो है वो 10 लाख की है, तो इट इज़ अराउंड से 25% तक अपना वैक्सीनेशन ऑलरेडी हो चुका है। हमारे पास बड़े सेंटर जो है वो 5 से 6 बड़े सेंटर है जहाँ पे एवरेज 1,200 से 1,500 तक वैक्सीन दिया जाता है, और हम उसको आगे 2,500-3,000 तक भी कर सकते हैं। और बाकी फिर हेल्थ सेंटर में अपन ने कैंप रखा है, मतलब वैक्सीनेशन का ये चालू रखा है। तो कुल मिला के एक 14-15 सेटअप है जहाँ पर हर जगह वो सेटअप मौजूद है नगर पालिका का, उसमें अपन वैक्सीनेशन सबको दे रहे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर में टेम्बो हॉस्पिटल इंदिरा गांधी के नाम बहुत ही तीव्रता से आगे आ रहे हैं कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैक्सीन दिया जाता है, ऐसे नहीं? नहीं, इनफैक्ट इंदिरा गांधी का टारगेट जो है वो लगभग 500 का ही है, और टेम्बा का थोड़ा ज़्यादा है, वो 1,000 तक है। तो पहले टेम्बा में पेशेंट बहुत ज़्यादा थे तो अपन ने विड्रॉ कर लिया था, लेकिन अभी टेम्बा पेशेंट अपने नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत कम हो गए, और टेम्बा एक बड़ा प्रीमाइसिस है, अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर है, कोई रिएक्शन या कुछ एडवर्स इफेक्ट होता है तो इमिजिएटली मैनेज हो सकता है। इसके लिए अपन ने इंदिरा गांधी और टेम्बा को प्रायोरिटी दिया, बट ये दोनों छोड़ के भी हमने कई सारे बड़े बड़े लाइक अप्पा साहेब है, मीनाताई ठाकरे है, फिर और 2-3 जगह जो है वहाँ पे अपन वैक्सीनेशन दे ही रहे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि टारगेटेड इंदिरा गांधी या टेम्बा में ही दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, हर जगह दे रहे। हर आदमी को उनके नज़दीक के प्लेस में मिलना चाहिए, उस हिसाब से प्लानिंग किया गया है। राजनीति अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो तीसरा वे आने वाला है वहाँ पे ये वैक्सीन क्या पूर्णतः कारगर रह सकता है या नहीं? मतलब आपको ये पूछना है कि वेव 3 में जो वेरिएंट आ रहा है उसके लिए वैक्सीन काम करे कितना काम? ये आंसर देना तो मुश्किल है, क्योंकि वायरस तो अपना जेनेटिक म्यूटेशन में चेंज हो ही रहा है। बट एक रफ आइडिया ये कहूँगा कि जिनको भी वैक्सीनेशन मिला है फिर उनको वेव 1, 2, 3, 4 जो भी आती है तो उसमें वो ऐसा नहीं कि उनको कोविड होगा नहीं, फीवर आएगा नहीं, कोविड होगा, फीवर आएगा, बट कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं वो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इसके लिए जल्द से जल्द वैक्सीनेशन ले, यही सलाह है। ये थे हमारे साथ प्रकाश जाधव, जिन्होंने बड़े ही सरलता से अपने विचार प्रकट किए। कैमरा मैन महेंद्र चौधरी के साथ रितेश तिवारी, सुप्रीम मीडिया।